Cheerful morning to all my dear students. और जैसे कि आप लोगों ने कल देखा होगा कि phrasal verb का part one discuss किया था और आज जो है part second discuss करने वाले हम phrasal verb का. एक मैं थोड़ा सा आपको कुछ बोलना चाहूंगा कि जब आप phrasal verb का part one आपने देखा होगा तो एक register properly ऐसा बना लेना जिसमें ये सारी phrasal verbs आप note down कर लो. अदरवाइज आप केवल इन्हें orally देखोगे तो शायद कम समझ में आएंगे, लेकिन जब आप इन्हें विद एग्जाम्पल के साथ नोट करोगे तब आपको ये इजिली समझ में आ जाएंगे. ठीक है, तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब का, जो रिगार्डिंग होगी हमारी ले से, सेंड से, आस्क से, बियर से और ब्रेक से और कैरी से. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वर्ड हमारा है ले बाई. फर्स्ट फ्रेजल वर्ब ले बाई. देखो ले बाई जो होता है इसका मतलब होता है टू सेव, टू सेव. अब यानी कि सेव करना, टू सेव समथिंग में मनी भी आ सकता है कि मनी सेव करना, क्लियर. या फिर एक फ्रेजल वर्ब और होती है जिसको हम बोलते हैं पुट बाई, या फिर पुट बाई. तो ले बाई का मतलब होता है टू सेव मनी, पैसे सेव करना, और पुट बाई भी किसको इंडिकेट करता है, ले बाई को, क्लियर. फिर एग्जांपल से समझेंगे इसको. द वाइज मैन, द वाइज मैन ऑलवेज ले, द वाइज मैन ऑलवेज ले बाई मनी फॉर दियर ओल्ड एज. ले बाई मनी फॉर दियर ओल्ड एज. द वाइज मैन ऑलवेज ले बाई मनी, कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ले बाई मनी, कि मनी को सेव करते हैं. किस लिए सेव करते हैं, फॉर दियर ओल्ड एज, कि उनकी ओल्ड एज के लिए, अपनी ओल्ड एज के लिए मनी को सेव करना. तो किसके अंडर आ गए, ले बाई. सेकेंड फ्रेजल वर्ब हो जाएगी हमारी ले ऑफ. ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब होता है किसी को डिसमिस कर देना, सस्पेंड कर देना, क्लियर. ले ऑफ का मतलब टू डिसमिस या फिर सस्पेंड कर देना, कि किसी को डिसमिस करना या सस्पेंड कर देना. एग्जाम्पल जैसे द वर्कर्स, द वर्कर्स हैव बीन लेड ऑफ, द वर्कर्स हैव बीन लेड ऑफ फॉर वॉन्ट ऑफ, फॉर वॉन्ट ऑफ रॉ मटीरियल. Raw material. The workers have been laid off for want of raw material. तो ले की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, laid off. Laid, L-A-I-D. The workers have been laid off. और थर्ड फॉर्म भी लेड ही होती है, तो यहां have been है तो been के साथ थर्ड फॉर्म. The workers have been laid off for want of raw material. कि जो workers थे उनको suspend कर दिया गया, dismiss कर दिया गया, किसकी कमी की वजह से, laid off. यानी कि सस्पेंड कर दिया गया. और ये जो वर्ड लिखा है वॉन्ट ऑफ, ये अपने आप में एक फ्रेज होती है जिसका मतलब क्या होता है, लैक ऑफ, लैक ऑफ, कि किसी चीज की कमी होना. तो वॉन्ट ऑफ का मतलब लैक ऑफ, कमी होना, और लेड ऑफ मतलब सस्पेंड, कि जो वर्कर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, किसकी कमी की वजह से, रॉ मटीरियल की कमी की वजह से. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ले डाउन. ले डाउन, ले डाउन का मतलब हो जाता है सरेंडर कर देना. ले डाउन का मतलब सरेंडर कर देना. जैसे ले डाउन योर वेपन्स, ले डाउन योर वेपन्स एंड सरेंडर, एंड सरेंडर. ले डाउन योर वेपन्स एंड सरेंडर, क्लियर. तो ये किसका इंडिकेट करता है, ले डाउन को. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हो जाती है हमारी ले असाइड. ले असाइड, ले असाइड. देखो ले असाइड का मतलब होता है एक तरह से कि किसी चीज को हटा करके, साइड कर करके कुछ समय के लिए रख देना,
जिस तरह से ले बाई होता था सिमिलर ही होता है एक तरह से, अगर ऑप्शंस जब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में अगर ले बाई है तब ले बाई लगा सकते हैं, अगर ले असाइड है तब ले असाइड लगा सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो ले असाइड का मतलब हो गया टू रिजर्व और सेव। जैसे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, she has been able to lay aside a few dollars each week, clear? Okay, she has been able to lay aside a few dollars each week, कि वो कुछ डॉलर्स हर हफ्ते क्या करती थी, रिजर्व करती थी, सेव करती थी। अगर ऑप्शन में हमारा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और ले असाइड ना देकर के अगर ले बाई दिया होता तो हम वो भी वहां पे क्लिक कर सकते थे, क्लियर, क्योंकि ले असाइड और ले बाई दोनों सिमिलर ही होते हैं, कोई डिफरेंस उनमें नहीं होता। ले बाई का मतलब भी सेव करना होता है, पुट बाई का मतलब भी सेव करना होता है, और ले असाइड भी सेव या रिजर्व करने के सेंस में हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी ले समवन टू रेस्ट। इसको फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं या idioms and phrases की तरह पूछा जाता है, और काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, SSC वाले एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि ले समवन टू रेस्ट idioms के सेंस में पूछा गया है। इसका मतलब क्या हो जाता है ले समवन टू रेस्ट का, टू वरी समवन who has died, टू वरी समवन who has died। तो ये किसका मतलब हो जाता है, ले समवन टू रेस्ट का, idioms में पूछा गया है काफी बार, क्लियर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी ले इनटू का मतलब हो जाता है अटैक समवन वायोलेंटली विद वर्ड्स। ले इनटू का मतलब अटैक समवन वायोलेंटली विद वर्ड्स, कि शब्दों से किसी पर अटैक करना, वो किसके अंडर में आता है, ले इनटू के। जैसे एग्जांपल हम पढ़ेंगे इसका, my parents really laid into me for being so late, कि my parents really laid into me for being so late, कि मेरे जो parents हैं उन्होंने क्या किया, मेरे पे शब्दों का अटैक किया, यानी कि अटैक समवन वायोलेंटली विद वर्ड्स, और किस लिए किया, फॉर बीइंग सो लेट, लेट होने की वजह से, क्लियर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हो जाती है हमारी ले ऑन का मतलब हो जाता है अरेंज करना, प्रोवाइड कराना, टू प्रोवाइड समथिंग। ले ऑन का मतलब कुछ अरेंज करना या प्रोवाइड कराना, क्या प्रोवाइड कराना, कि किसी को खाना प्रोवाइड कराना, वाटर प्रोवाइड कराना, या अदर अरेंजमेंट्स, या फिर अदर्स, ठीक है, एटसेट्रा, कि किसी भी चीज का अरेंज करना, व्हीकल का अरेंज करना, खाने का अरेंज करना, मकान का अरेंज करना, तो वो सब किसके अंडर में आ जाता है, ले ऑन के, क्लियर। जैसे एग्जांपल से समझेंगे हम इसको, एक्स्ट्रा बसेस आर बीइंग लेड ऑन
for late night suppers. कि एक्स्ट्रा वर्सेस कि जो एक्स्ट्रा वर्सेस हैं वो क्या कर दी गई है, लेड ऑन. और लेड ऑन किसके लिए प्रोवाइड कराई गई है, किसके लिए अरेंज की गई है, फॉर लेट नाइट सॉपर्स. जो लेट नाइट सॉपर्स थे उनके लिए हमने क्या करा, एक्स्ट्रा वर्सेस का क्या करा है, अरेंजमेंट किया है. तो वो किसके अंडर में आता है, ले ऑन के. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लास्ट फ्रेजल वर्ब ले से रिगार्डिंग ले आउट. ले आउट का मतलब हो जाता है, ले आउट का मतलब make something easy to see. या फिर make something easy to see का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा करना जो देखने में क्या हो, आसान हो. और लेआउट इंडिकेट करता है, जैसे कि आपने देखा होगा बिल्डिंग का लेआउट लिया जाता है, यानी कि नक्शा वगैरह के सेंस में भी क्या हो जाता है, वो लेआउट हो जाता है. क्लियर. और इसका मतलब यहां पे क्या, मेक समथिंग इजी टू सी, कि जिसे देखने में हमें क्या हो, आसानी हो. वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो, कोई एक्स्ट्रा में कोई भी चीज हो, तो वो किसके सेंस में आएगा, लेआउट के सेंस में. एग्जाम्पल से समझेंगे इसको. जैसे सी ओपेंड हर सूटकेस, सी ओपेंड हर सूटकेस, सी ओपेंड हर सूटकेस and laid her clothes out on the bed. किसी opened her suitcase, कि उसने अपना suitcase खोला था, and laid her clothes out, यानी कि और जो उसके कपड़े थे उसने क्या करा, laid out मतलब bed पे open करके डाल दी, यानी कि easy to see, जिसे देखने में क्या हो, आसानी हो. तो उस सेंस में भी हम किसका यूज करेंगे, ले आउट का. क्लियर. तो ये फ्रेजल वर्ब थी हमारी ले से रिगार्डिंग. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हम पढ़ते हैं सी से रिगार्डिंग. और एक बात और, जो बच्चे नॉट नहीं कर रहे हैं, ऑरली देख रहे हैं, वो अपना लॉस कर रहे हैं. ठीक है, अगर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा के आपको ये पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब आपका प्रिपेयर रजिस्टर होना चाहिए, कंप्लीट रजिस्टर. ठीक है, सारी फ्रेजल वर्ब नॉट कर लेना. जो बच्चे कॉन्सियस हैं उन्हें इनकी वैल्यू पता है, जो नहीं है उन्हें अभी नहीं पता है कि फ्रेजल वर्ब में कितना कंफ्यूजन होता है. ठीक है, और बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में भी आएगा. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी सी से रिगार्डिंग. जैसे फर्स्ट वर्ड हो गया हमारा सी ऑफ, बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है, हर किसी को पता होगा. सी ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, किसी को विदाई देना. क्लियर. तो सी ऑफ किसको इंडिकेट करता है हमारा, टू एस्कॉर्ट ए गेस्ट, किसी गेस्ट को क्या करना, विदाई करना. फॉर हिज डिपार्चर, कि टू एस्कॉर्ट अ गेस्ट फॉर हिज डिपार्चर. एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे हिज फ्रेंड वर प्रेजेंट At the station to see him off. Clear? के his friend were present. उसके जो दोस्त थे क्या थे, present थे. कहां पर, at the station, station पर. किस लिए, to see him off, उसको विदाई देने के लिए. Clear? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब सी से रिगार्डिंग सी टू, एस डबल ई सी टू. सी टू का मतलब हो जाता है टू डील विद या फिर टू शॉर्ट आउट. सी टू का मतलब किसी चीज के साथ, किसी मैटर के साथ डील करना या किसी चीज को सॉल्व करना. और अगर आपको याद होगा, अगर कल वाली फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ी होंगी, तो एक फ्रेजल वर्ब मैंने और बताई थी आपको सी टू से रिगार्डिंग, यानी कि टू डील विद या शॉर्ट आउट करने से रिगार्डिंग. वो फ्रेजल वर्ब थी हमारी आयरन आउट. वो कौन सी फ्रेजल वर्ब थी हमारी, आयरन आउट, जिसका मतलब क्या होता था, टू सॉल्व करना. क्लियर. एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे दीज लेटर्स नीड पोस्टिंग
These letters need posting. I will see to them later. I will see to them later. Clear? कि these letters need posting. कि ये जो letters हैं इनको posting की requirement है, आवश्यकता है. I will see to them later. मैं इनके साथ deal कब करूंगा? बाद में करूंगा. क्लियर? यानी कि मैं ये जो प्रॉब्लम है इनको पोस्ट करने वाली, इसको कब सॉल्व करूंगा? आई विल सी टू देम लेटर. क्लियर? बाद में सॉल्व करूंगा. ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा सी टू, और ऊपर क्या था हमारा सी ऑफ. नेक्स्ट रिजल्ट अब हम पढ़ते हैं सी थ्रो. सी थ्रो, सी थ्रो का मतलब होता है डिस्कवर समथिंग हिडन. डिस्कवर समथिंग, डिस्कवर समथिंग हिडन. क्लियर? सी थ्रो का मतलब डिस्कवर समथिंग हिडन, यानी कि कुछ वो डिस्कवर करना जो क्या हो, छुपा हुआ हो. तो वो किसके अंडर में आता है? सी थ्रो के. या फिर जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, या फिर जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, जिसे समझने में क्या है, प्रॉब्लम आए, तो वो किसके अंडर आता है? सी थ्रो के अंदर. जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम. मैन हैज ग्रोन सो क्लेवर दैट इट इज डिफिकल्ट, दैट इट इज डिफिकल्ट टू See through his tricks. कि man has grown so clever. कि जो आदमी है, जो man है, वो क्या हो चुका है? So clever. बहुत ज्यादा clever हो चुका है. That it is difficult to. और ये क्या है? बहुत ही ज्यादा difficult है. To see through his ट्रिक्स, के उसकी ट्रिक्स को समझना, उसकी ट्रिक्स को डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. उसकी जो ट्रिक्स हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है समझने के लिए. इतना ज्यादा क्या हो चुका है? मैन ग्रोन हो चुका है. क्लियर? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब तो थी हमारी सी से रिगार्डिंग. अगला फ्रेजल वर्ब है हमारी सेंड से रिगार्डिंग. जैसे कि सेंड फॉर का मतलब होता है. अच्छा, सेंड फॉर से पहले एक फ्रेजल वर्ब अभी सी की बची है, जिसका मतलब हो जाता है सी इनटू. और सी इनटू का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, या फिर एग्जामाइन करना. टू एग्जामाइन के, इन्वेस्टिगेट करना या फिर एग्जामाइन करना, वो किसके अंडर में आता है? सी इनटू के. और जब इन्वेस्टिगेट लिखा है तो इसके साथ एक पॉइंट बता देता हूं. कल भी मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन के साथ, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का यूज नहीं होता है. कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ जब एक्टिव फॉर्म में हो तो प्रेपोजिशन नहीं लेती. जैसे अटैक के साथ ऑन हो गया, यूज नहीं होगा. रिजेंबल के साथ विद हो गया, और आपका इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू हो गया, और आपका एंटर के साथ इनटू हो गया. ये कल भी बताई थी और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे सी इनटू का मतलब. इन्वेस्टिगेट या फिर टू एग्जामाइन. जैसे आई कांट सी इनटू योर थॉट्स. क्लियर? कि मैं क्या नहीं कर सकता? सी इनटू योर थॉट्स, कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है वो मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता. क्लियर? वो मैं एग्जामाइन नहीं कर सकता, यानी कि उस चीज का पता नहीं लगा सकता जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है. तो वो किसके अंडर में आता है? सी इनटू के अंडर में. क्लियर? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब सेंड फॉर, इसका मतलब होता है समवन, किसी को बुलाना. SUMMON समवन का मतलब कॉल करना, किसी को बुलाना. एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे हम सेंड फॉर अ डॉक्टर. सी सेंड
she sent for a doctor. She sent for a doctor when her husband fell ill. Clear? She sent for a doctor. उसने क्या करा? डॉक्टर को बुलाया, किस लिए और कब बुलाया? When her husband fell ill. जब उसका हस्बैंड क्या था? बीमार था. तब उसने क्या किया? She sent for a doctor. Clear? कुछ phrasal verb one by one word में complete हो जाती है और कुछ के काफी सारे words होते हैं. जैसे अभी ले वाले पढ़े थे तो approximately 5 to 6 phrasal verb ले से regarding थी. अभी see वाला पढ़ा, 3 to 4 phrasal verb see से regarding थी. अभी send वाला पढ़ा तो send का मतलब क्या हुआ कि एक ही phrasal verb है. अगला पढ़ते हैं हम फिर से ask वाला, ask से regarding phrasal verb. जैसे पहला phrasal verb हो गया हमारा ask after, ask after. Ask after का मतलब होता है to inquire after, to inquire after, कि किसी का हालचाल पूछना, उसके बारे में पता करना, वो किसके अंडर में आता है? Ask after के. एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे आई मेट योर ब्रदर, आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी, एट द पार्टी एंड ही आस्क्ड आफ्टर यू, एंड ही आस्क्ड आफ्टर यू. क्लियर? कि आई मेट योर ब्रदर, कि मैं तुम्हारे भाई से मिला था. कहां पर? एट द पार्टी. एट द पार्टी, कि मैं पार्टी में तुम्हारे भाई से मिला था. एंड ही आस्क्ड आफ्टर यू, और उसने किसके बारे में पूछा? तुम्हारे बारे में पूछा. तो वो क्या हो गया हमारा? Asked after you. Clear? Next phrasal verb, ask for. Ask for. Ask for का मतलब होता है request for. Request for. कि किसी चीज की विनती करना, वो किसके अंडर में आता है? Ask for के अंडर में. Request करना किसी चीज के लिए. Clear? जैसे example हो गया, she asked for a glass of water. She asked for a glass of water. कि she asked for, उसने request की, बिनती की, किस लिए? Request for या समझ लो demand, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? Demand. कि किसी की चीज की उसने request की या demand की, और किस चीज के लिए? She asked for a glass of water. कि उसने पानी के glass के लिए क्या की? रिक्वेस्ट की. अगला फ्रेजल वर्ब जैसे कि अकाउंट फॉर, सॉरी आंसर फॉर का मतलब होता है कि रीजन देना किसी चीज का, एक्सप्लेन करना कि रीजन क्या है. क्लियर? तो आंसर फॉर का मतलब क्या हो जाता है? रीजन फॉर, रीजन. और ये idioms के सेंस में भी पूछा जा चुका है. रीजन, एक्सप्लेन द रीजन. आंसर फॉर मतलब एक्सप्लेन द रीजन, कि किसी चीज का रीजन पूछना, कि किसी भी चीज को कारण बताना कि उसका कारण क्या था. वो किसके अंडर में आता है? आंसर फॉर के. और ये phrasal verb की तरह भी यूज होता है और idioms and phrases में एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए बता दिया मैंने आपको answer for. अगला phrasal verb जैसे account for का मतलब होता है same meaning, explain the reason. जो मतलब answer for का, वही मतलब account for का. क्लियर? दोनों में से कुछ भी पहुंच सकता है. मतलब क्या हो गया इनका? एक्सप्लेन द रीजन. जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम, आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर
I can't account for his unusual behavior in this matter. In this matter. Clear? Ki I can't account for, ya fir I can't answer for his unusual behavior in this matter. Ki main is matter mein uska jo unusual behavior tha, uska reason explain nahi kar sakta ki uska aisa behavior kyon tha. Clear? Next phrasal verb hum padhenge ab back se regarding. Back se regarding mein pehla phrasal verb hai hamara back out. Back out. Back out ka matlab hota hai mukar jana ya go back on. Go back on. Apne promise se mukar jana, theek hai? Wriggle. कि अपने प्रॉमिस से मुकर जाना या किसी भी बात से मुकर जाना वो किसके अंदर में आता है, बैकआउट के अंदर में आता है. क्लियर? एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका. जैसे ही एग्रीड टू हेल्प, ही एग्रीड टू हेल्प बट बैक्ड आउट, बट बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट. At the last moment. Clear? कि he agreed to help. कि उसने help करने के लिए agree था, वह help करने के लिए agree था, लेकिन backed out at the last moment. लेकिन last moment पे क्या हुआ, वो अपनी बात से मुकर गया. उसका मतलब क्या होता है, back out. अगला phrasal verb back up. अगला फ्रेजल वर्ब बैकअप. बैकअप का मतलब होता है हेल्प या सपोर्ट. बैकअप का मतलब क्या होता है, हेल्प या सपोर्ट. मतलब जैसे एग्जाम्पल हम इसका पढ़ेंगे, ही बैक्ड अप मी, ही बैक्ड अप मी इन डिफिकल्ट टाइम. इन डिफिकल्ट टाइम. क्लियर? कि ही बैक्ड अप मी, उसने मेरी हेल्प की या उसने मुझे सपोर्ट किया, कहां? इन डिफिकल्ट टाइम. अच्छा, एक idioms होता है बैकअप से रिगार्डिंग, आपने पढ़ा होगा टू गेट वंस बैकअप. वो idioms क्या होता है, टू गेट वंस बैकअप. टू गेट वंस बैकअप, ये बैकअप से बिल्कुल एक तरह से अपोजिट सेंस में हो गया. बैकअप का मतलब यहां हेल्प या सपोर्ट, कि किसी की हेल्प करना या सपोर्ट करना. और टू गेट वंस बैकअप का मतलब होता है इरिटेट के सेंस में, इरिटेट समवन या समबडी, कि किसी को इरिटेट करना, वो किसके अंडर में आता है, टू गेट वंस बैकअप. जब idioms के सेंस में होगा तब उसका मतलब इरिटेट समबडी होता है. और जब बैकअप किसके सेंस में होगा, फ्रेजल वर्ब के, तो उसका मतलब क्या हुआ, ही बैक्ड अप मतलब सपोर्ट करना या फिर हेल्प करना. अगला फ्रेजल वर्ब back off का मतलब टू टर्न बैक. टू टर्न बैक, टू टर्न बैक बोल सकते हैं हम, या गेट बैक या फिर गेट बैक, के पीछे हट जाना. टू टर्न बैक, पीछे हट जाना, या गेट बैक. जैसे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे हम, I saw the knife and backed off. कि I saw the knife, कि मैंने चाकू देखा, and backed off. Clear? और मैं क्या हुआ, get back, वापस आ गया. कि मैंने नहीं देखा कि पूरी तरह से चाकू क्यों ब्लड से या किसी और चीज से सना हुआ था, तो वो किसको इंडिकेट करता है, back off, यानी कि टू टर्न बैक, पीछे आ जाना. क्लियर? या गेट बैक, वापस की तरफ आना. अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा बियर से रिगार्डिंग. फर्स्ट वर्ड बियर का रिगार्डिंग, जैसे बियर अबे. बियर अबे, बियर अबे का मतलब होता है विन, जीत जाना. बियर अबे मतलब विन.
जीतना। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, विन समझ लो या सक्सेस समझ लो, ठीक है। एग्जाम्पल से हम नोट करेंगे, जैसे सुहानी और बियर की सेकेंड फॉर्म बोर, सुहानी बोर अबे, सुहानी बोर अबे द डांस कंपटीशन, सॉरी सुहानी बोर अबे द फर्स्ट प्राइज, सुहानी बोर अबे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कंपटीशन, इन द डांस कंपटीशन। सुहानी बोर अबे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कंपटीशन, क्लियर। कि सुहानी ने फर्स्ट प्राइज जीता, बियर अबे मतलब जीतना, विन, कि सुहानी ने फर्स्ट प्राइज जीता कहां पर, इन द डांस कंपटीशन, डांस कंपटीशन में। अगला फ्रेजल वर्ब बियर से रिगार्डिंग, बियर ऑन या अपॉन, बियर ऑन बोल सकते हैं या अपॉन बोल सकते हैं, क्लियर। कि बियर ऑन या फिर बियर अपॉन, बियर ऑन या अपॉन का मतलब होता है बी रिलेवेंट टू समथिंग, बी रिलेवेंट टू समथिंग, बी रिलेवेंट टू समथिंग, कि किसी चीज से रिलेटेड होना, क्लियर। या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से टू रिलेवेंट टू समथिंग है टू बी कनेक्टेड विद, टू बी कनेक्टेड विद, या फिर किसी चीज से जुड़ा होना, वो भी किसके अंडर में आता है, बियर ऑन या अपॉन के। एग्जाम्पल से जैसे योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग, योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम, ऑन द मेन प्रॉब्लम, क्लियर। कि योर रिमार्क्स के जो भी आपने कहा हैव नो बियरिंग ऑन, यानी कि रिलेवेंट नहीं है किससे, ऑन द मेन प्रॉब्लम, कि जो कुछ भी आपने कहा वो मेन प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, क्लियर। तो उसका मतलब क्या होगा, बियर ऑन या फिर बियर अपॉन। अगला फ्रेजल वर्ब हम पढ़ेंगे बियर आउट, बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट करना या कंफर्म द ट्रूथ, कंफर्म द ट्रूथ, क्लियर। बियर आउट का मतलब कॉर्पोरेट, किसी चीज की पुष्टि करना, कंफर्म द ट्रूथ, कंफर्म करना ट्रूथ को, क्लियर। जैसे एग्जांपल से कंफर्म करेंगे हम, आई एम श्योर माई क्लासमेट, आई एम श्योर माई क्लासमेट विल बियर आउट, विल बियर आउट माई स्टेटमेंट, माई स्टेटमेंट, क्लियर। कि आई एम श्योर माई क्लासमेट विल बियर आउट माई स्टेटमेंट, कि मैं क्या हूं, श्योर हूं कि मेरे जो क्लासमेट हैं वो इस बात की पुष्टि करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब बियर विद, बियर विद, बियर विद का मतलब हो जाता है टू कीप पेशेंस, टू कीप पेशेंस, या फिर कोऑपरेट करना, या फिर कोऑपरेट करना, कि पेशेंस रखना या फिर कोऑपरेट करना, वो किसके अंडर में आता है, बियर विद के। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम, इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस, इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी, सफर्ड बाय द कंपनी, इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी, द शेयर होल्डर्स, द शेयर होल्डर्स, द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड, द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू बियर विद,
टू बियर विद, कि इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस, इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी, कि जो भी कंपनी ने हैवी लॉस सफर किया है, द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड, कि शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट है, विनती है क्या, कि टू बियर विद, कि पेशेंस रखें या फिर क्या करें, कॉपरेट करें कंपनी को, क्लियर। तो वो किसके अंडर में आते हैं, बियर विद के अंडर में। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, बियर अप, बियर अप, बियर अप का मतलब होता है टू रिमेन चीयरफुल, टू रिमेन चीयरफुल, टू रिमेन चीयरफुल इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, क्लियर। कि टू रिमेन चीयरफुल, कि चीयरफुल रहना, खुश रहना कहां पर, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, क्लियर। कि विपत्ति भरे समय में भी क्या रहना, चीयरफुल रहना, वो किसके अंडर में आता है, एडवर्सिटी के अंदर। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, पॉवर्टी जिसको हम बोलते हैं, क्लियर, या क्राइसिस बोल सकते हैं, ठीक है। और एडवर्सरी क्या होता है, एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब होता है अपोनेंट, क्लियर। एडवर्सरी और एडवर्सिटी में कंफ्यूज मत होना, एडवर्सिटी मतलब पॉवर्टी, गरीबी या क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं, और एडवर्सरी क्या होता है, वो अपोनेंट, कंटेस्टेंट हम बोल सकते हैं उसको, क्लियर। तो एग्जांपल डिस्कस करेंगे बियर अप का, जैसे ही इज बियरिंग अप, ही इज बियरिंग अप वेल अंडर द स्ट्रेन ऑफ लूजिंग हिज जॉब, क्लियर। कि ही इज बियरिंग अप वेल, कि वो कब वेल, अंडर द स्ट्रेन ऑफ लूजिंग हिज जॉब, कि वो अपनी जॉब खोने के स्ट्रेन के बावजूद भी क्या है, ही इज बियरिंग अप वेल, वे अच्छे से क्या कर रहे हैं, रिमेन चेयरफुल, वो खुश है जॉब खोने के बाद भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बियर अप, क्लियर। तो ये बियर से रिगार्डिंग फ्रेजल वर्ब थी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ब्रेक से रिगार्डिंग है, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स, टू एंटर बाय फोर्स, कि कहीं पे एंट्री करना बाय फोर्स, कि जबरदस्ती कहीं मकान में घुस जाना, किसी बिल्डिंग में एंटर करना और जबरदस्ती एंटर करना, तो वो किसके अंडर में आता है, ब्रेक इनटू के। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, द रॉबर्स ब्रॉक इनटू, द रॉबर्स ब्रॉक इनटू हिज हाउस, ब्रॉक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, क्लियर। कि जो रॉबर्स थे, जो डाकू थे, वो क्या हुए, ब्रॉक इनटू, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रॉक, कि जबरदस्ती हिज हाउस लास्ट नाइट, कि द रॉबर्स जो डाकू वगैरह थे, जो चोर थे, वो उसके घर में घुसे लास्ट नाइट, और कैसे, एंटर बाय फोर्स, यानी कि जबरदस्ती। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन दो मीनिंग को इंडिकेट करता है, जैसे स्टॉप समथिंग वर्किंग, कि किसी चीज का काम करना बंद कर देना, वो भी किसके अंडर में आता है, ब्रेक डाउन के अंदर में आता है, या फिर इमोशनली कोलैप्स, ठीक है, कि बहुत ज्यादा इमोशनली होकर के गिर जाना, भावुक हो जाना, वो भी किसके अंदर में आता है, ब्रेक डाउन के अंदर में आता है। जैसे एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, व्हाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट, व्हाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट
She broke down. She broke down. Clear? कि while giving evidence, कि evidence देने के दौरान she broke down. वो क्या हो गई? Emotionally हो गई, बहुत ज्यादा emotionally हो गई. तो वो किसके अंडर में आता है? Broke down. कि कोई कार वगैरह भी ब्रोक डाउन हो सकती है, कोई मशीन ब्रोक डाउन हो सकती है, तो उस सेंस में भी हम किसका यूज करेंगे? ब्रोक डाउन का. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ब्रेक आउट. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ब्रेक आउट. ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, स्प्रेड हो जाना. ब्रेक डाउन का मतलब स्प्रेड हो जाना. स्प्रेड में जैसे किसी वॉर का फैल जाना, फायर का फैल जाना. क्लियर? ये सब किसके अंदर में आता है? ब्रेक आउट के अंदर में आता है. जैसे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इसका, द फियर, द फियर दैट एड्स हैज, द फियर दैट एड्स हैज ब्रोकन आउट इन इंडिया, इन द एड्स, द फियर दैट एड्स हैज ब्रोकन आउट इन इंडिया इज नॉट अनफाउंडेड, इज नॉट अनफाउंडेड. क्लियर? तो किसका डर? कि एड्स हैज ब्रोकन आउट, कि जो एड्स है वो इंडिया में क्या हो चुका है? फैल चुका है. इसी तरह से किसी फायर का फैल जाना, वो भी किसके अंडर में आएगा? ब्रेक आउट के अंडर में आएगा. क्लियर? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ब्रेक अप. ब्रेक अप. ब्रेक अप का मतलब हो जाता है कि किसी गैदरिंग का या मीटिंग का, गैदरिंग या मीटिंग का समाप्त होना. वो किसके अंडर में आता है? किसी मीटिंग या फिर गैदरिंग वगैरह का ब्रेकअप होना, टर्मिनेट होना, फिनिश होना, खत्म होना. वो किसके अंडर में आता है? ब्रेकअप के अंदर में आता है. या फिर टू एंड अ रिलेशनशिप, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? टू एंड अ रिलेशनशिप. किसी रिलेशन का खत्म होना भी किसके अंडर में आता है? ब्रेकअप के अंदर में आता है. क्लियर? जैसे आफ्टर अबाउट, आफ्टर अबाउट एन आर, आफ्टर अबाउट एन आर द मीटिंग ब्रोक अप, द मीटिंग ब्रोक अप. कि आफ्टर अबाउट एन आर, कि एक घंटे के बाद द मीटिंग ब्रोक अप, जो मीटिंग थी वो क्या हो गई? फिनिश हो गई. क्लियर? तो वो किसके सेंस में हो गया? ब्रोक अप के सेंस में. अच्छा, एक हो जाता है ब्रेक अप विद. ब्रेक अप विद, तो ब्रेक अप विद में क्या हो जाएगा? कि क्वारल हो जाना एक तरह से, या टू एंड अ रिलेशनशिप. टू एंड अ रिलेशनशिप, इसमें विद लग गया, तो विद का मतलब हम क्या कर सकते हैं? किसी पर्सन को इंडिकेट कर सकते हैं कि किसी पर्सन के साथ रिलेशन खत्म हो जाना. क्लियर? और ब्रेक आप अगर नॉर्मल लिखा है तो उसका मतलब किसी मीटिंग का फिनिश हो जाना. क्लियर? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा ब्रेक थ्रू. ब्रेक थ्रू. ब्रेक थ्रू का मतलब होता है एक तरह से मेजर अचीवमेंट. मेजर अचीवमेंट, कि कोई मेजर अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट हाथ लगना. जैसे ब्रेक थ्रू न्यूज होती है ना, कि कोई बहुत बड़ी खबर, तो उसी तरह से ब्रेक थ्रू का मतलब क्या हो जाता है? मेजर अचीवमेंट, या कोई डिस्कवर का सीक्रेट का पता चलना. डिस्कवर अ सीक्रेट, डिस्कवर अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट का पता करना. क्लियर? ब्रेक थ्रू का एग्जाम्पल से समझेंगे हम. जैसे देयर इज नो होप ऑफ, देयर इज नो होप ऑफ, देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू. देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू
in the murder case, in the murder case. Clear? कि there is no hope of breakthrough in the murder case. कि इस murder case में क्या है, कोई उम्मीद नहीं है breakthrough की, यानी कि कुछ major achievement हाथ लगने की इस केस में कोई भी उम्मीद नहीं है. तो ये सेकेंड पार्ट था हमारा फ्रेजल वर्ब का. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब का थर्ड पार्ट, और उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने नोट डाउन किया है तब. अगर ओरली देखोगे तो समझ में कम आएगा, इसलिए जितने भी लोग देखते हैं वीडियोस को, सभी के सभी एक रजिस्टर बना के फ्रेजल वर्ब्स का नोट कर लेना, क्योंकि एक या दो पार्ट में फ्रेजल वर्ब हमारी कंप्लीट नहीं हो सकती. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 वीडियो अपलोड की जाएंगी जो फ्रेजल वर्ब के लिए होंगी. उससे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट और क्लोज टैस्क का पार्ट बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा. क्लियर? और कभी कभी फ्रेजल वर्ब्स को idioms एंड फ्रेजेस में भी पूछ लेता है. क्लियर? ओके, थैंक यू एवरीवन.